हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सीजीएल की डेट्स आ चुकी हैं, सीपीयू के एग्ज़ाम्स भी मार्च में होंगे, उसके बाद सीएचएसएल के एग्ज़ाम होंगे। तो इन सभी को देखते हुए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और इसमें मैं सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीयू के Tier 1, 2 और 3 के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसका हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर, तो इसको आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखें और उसके बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सजेशन मेरी तरफ से कि यदि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी गेन करना चाहते हैं, तो आप मेरे फ्री ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं examinee.in वेबसाइट पर। ये पूरी तरीके से फ्री है और इसके लिए आपको साइन अप या लॉग इन नहीं करना है। केवल examinee.in वेबसाइट पर जाना है और ब्लॉग सेक्शन में जाके आप ये सारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। देखिए, ये CGL Tier 1 के क्वेश्चन है। ये सेट 25 है और 9/8/2017 को ये पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। तो ये प्रीवियस ईयर के रियल क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखते हैं। शी वॉज सो नियर टू अचीविंग हर गोल। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और वर्ड रिलेटेड इसमें इसमें एरर है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि वो अपने गोल को अचीव करने के काफ़ी नज़दीक थी, ठीक है, काफ़ी पास थी अपने गोल को अचीव करने में। तो इस सेंस में जब हम यूज़ करते हैं इसको कि वो काफ़ी क्लोज थी, काफ़ी नज़दीक थी अपने गोल को अचीव करने में, तो इस सेंस में हम नियर का यूज़ नहीं करते। नियर को हम फिजिकल डिस्टेंस को बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली इस नियर के स्थान पर यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो होगा क्लोज। शी वॉज सो क्लोज टू अचीविंग हर गोल। अब यहाँ पर क्लोज टू जो है ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, और प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसके साथ हम वर्ब की जेरंड फॉर्म को लगाते हैं। जेरंड फॉर्म एक्चुअली जो होती है वो वर्बल नाउन होती है, उसको हम नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। तो प्रपोजिशनल फ्रेजेज जो हैं या प्रपोजिशन जितने भी हैं, उनके बाद या तो हम नाउन लगाते हैं, और यदि आप वर्ब लगा रहे हैं तो उसके ING फॉर्म हम जेरंड फॉर्म में लगाते हैं। इसको आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया, और नियर के स्थान पर यहाँ पर इसमें हम क्लोज का प्रयोग करेंगे। तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ही वॉच्ड एज फाइट ब्रोक आउट अलोंग द सिटी। उसने देखा जैसे ही फाइट ब्रोक आउट हुई, जैसे ही लड़ाई शुरू हुई। ब्रोक आउट या ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का तेजी से फैलना, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो आग हो, चाहे वो कोई बीमारी हो। जब कोई चीज़ तेजी से फैलती है तो वहां पर हम फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं ब्रेक आउट। तो चूंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए इसमें हम ब्रोक आउट को यूज करेंगे। ही वॉच्ड, उसने देखा। देखिए, यहाँ पर एज लगा हुआ है। एज का मतलब है कि दो काम एक साथ हो रहे हैं। जैसे ही फाइट ब्रोक आउट हुई, शुरू हुई, उसने उसको पूरा देखा। तो ब्रोक आउट तो यहाँ पर सही है, ये फ्रेजल वर्ब यहाँ पर सही है, लेकिन अलोंग द सिटी कहना गलत होगा। इसके स्थान पर आप बोल सकते हैं अक्रॉस द सिटी। अक्रॉस द सिटी मतलब पूरी सिटी में, ठीक है, पूरी सिटी में जब लड़ाई शुरू हुई तो उसने उस चीज को देखा। तो अलोंग द सिटी मतलब सिटी के किनारे किनारे। सिटी के किनारे किनारे का कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस है। और अक्रॉस द सिटी का मतलब है पूरी सिटी में। यदि मैं बोलूँ कि अक्रॉस इंडिया या अक्रॉस कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में, तो अक्रॉस कहना या मीनिंगफुल होगा या लॉजिकल होगा, लेकिन अलोंग कहना यहाँ सही नहीं है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा सी। इस पूरे वीडियो क्लास को देखिए, मैंने 25 क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन किए हैं, और एक ये मैंने ऑफर क्रिएट किया है जो भी स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इंग्लिश में वो 90% तक स्कोर करना चाहते हैं एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, Tier 1, Tier 2 और Tier 3 में वो 90% तक स्कोर करना चाहते हैं, तो इस ऑनलाइन वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक ऑफर मैं अभी दे रहा हूँ। इस कोर्स की जो ओरिजिनल फीस है और जो रेगुलर फीस है वो 5,500 रुपये है, लेकिन इस कोर्स को यदि आप आज ज्वाइन करते हैं तो केवल 1,699 रुपये पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इंस्टामोजो पेज से पेमेंट करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफर वैलिड रहेगा केवल आज रात 12 बजे तक ही, 1 फरवरी को आज रात 12 बजे तक ही ये ऑफर वैलिड रहेगा, क्योंकि इसमें मैं पूरा 1 साल तक आपको पढ़ाऊंगा। Tier 1, 2 और 3 का पढ़ाऊंगा। इसमें 6 महीने की वैलिडिटी फ्री है, यानी पूरी 1 साल की वैलिडिटी इसमें रहेगी। ई बुक इसमें मैं फ्री दूंगा आपको वोकेबलरी की। 2017 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है, वो पूरा कोर्स में इसमें फ्री दूंगा। ये सारे बेनिफिट्स इसमें आपको मिलेंगे, और डाउट क्लियरिंग के लिए 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप रहता है,
तो उसमें आप कोई भी क्वेरी है तो कर सकते हैं आप। ये मेरे कॉल के नंबर हैं, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वहाँ से इस कोर्स को, इस कोर्स की वैलिडिटी वैसे 4 4 महीने है, लेकिन इस ऑफर में मैं आपको 1 साल की वैलिडिटी दूंगा, और ये सारे ऑफर्स जितने भी लिखे हैं ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 का इसमें पढ़ाया जाएगा, और इसकी फीस रहेगी केवल और केवल 1699 रुपये, 1 साल की वैलिडिटी इसमें आपकी रहेगी। तो ये ग्रेट ऑफर है, इसको केवल आज ही आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगी और इसको आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और ज्वाइन यदि करना चाहते हैं तो फिर आपको रेगुलर फीस में इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए, एक ये फिलर का क्वेश्चन है, एवरी वन वॉज प्लीज टू लर्न द एक्टर वुड। वुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, पहले सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं, सेंटेंस का मीनिंग क्या है। एवरी वन वॉज प्लीज, हर कोई खुश था ये जान के कि जो एक्टर है, एक कोई फेवरेट एक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, वुड हिज रोल एज द कैप्टिवेटिंग पायरेट। कैप्टिवेटिंग पायरेट, कैप्टिवेटिंग मतलब अट्रैक्टिव, पायरेट हम बोलते हैं जो शिप्स होते हैं समुद्र में, जो शिप्स होते हैं उस पर जो डाका डालता है उसको हम बोलते हैं पायरेट। तो कैप्टिवेटिंग पायरेट का जो रोल है उसको उसको फिर से वो करेगा, तो इस चीज़ को जान के सारे लोग खुश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटिशन की बात हो रही है एक्चुअली, कि वो एक्टर उस रोल को फिर से लाइव करेगा, फिर से रिपीट करेगा, इसलिए सारे लोग खुश हैं। तो यहाँ पर रिपीटिशन का इक्विवेलेंट एक वर्ड चाहिए, और रिपीटिशन का इक्विवेलेंट वर्ड है रिप्रीज। रिप्राइज मत बोलिए इसको, रिप्रीज बोलते हैं। रिप्राइजल का अर्थ होता है रिटेलिएशन, यानी बदला लेना। ठीक है, तो रिप्राइजल का अर्थ है बदला लेना, रिप्रीज का अर्थ है रिपीटिशन। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। पायरेट का अर्थ इलीगली किसी चीज़ को कॉपी करना, जैसे पायरेसी, आपने वर्ड सुना होगा, पायरेसी होती है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति को भी हम पायरेट बोल सकते हैं जो इलीगली किसी चीज़ को कॉपी करता है, और जो समुद्र में जो डाका डालते हैं उनको भी हम पायरेट बोलते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग भी मैं इन क्लासेस में सिखाऊंगा आपको। और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायमंड नेकलेस वॉज टू एक्स्ट्रावेगेंट फॉर ए सिंपल डिनर। डायमंड नेकलेस वॉज, देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक्स्ट्रा वेगेंट एक्चुअली एडजेक्टिव है, खर्चीला इसका मतलब होता है खर्चीला। टू एक एडवर्ब है जो इसको मॉडिफाई कर रहा है, और इससे पहले, टू से पहले यहाँ यहाँ आप दो वर्ड लगा सकते हैं, एक मच और एक फार। ये इंटेंसीफायर होते हैं, इसको इंटेंसीफाई कर सकते हैं इसकी मीनिंग को, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मच टू बोल सकते हैं या फार टू बोल सकते हैं, जैसे फार टू सुपीरियर, फार टू बिगर, फार टू ग्रेटर, इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर टू से पहले दो वर्ड आप लगा सकते हैं, एक मच और एक फार। तो इसमें फार आप लगा सकते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से आप फार लगा सकते हैं, फार इसमें ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैलेसी का क्या अर्थ है। यहाँ पर सिनोनिम पूछा जा रहा है फैलेसी का, और फैलेसी होती है गलत धारणा, एक मिसकंसेप्शन या एक मिसटेकन बिलीफ, उसको हम बोलते हैं फैलेसी। तो फैलेसी का इक्विवेलेंट होगा यहाँ पर बायस। बायस का अर्थ होता है पक्षपात। पक्षपात जो होता है वो भी एक मिस्टेकन बिलीफ ही होता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज करने की कोशिश की है एग्जामिनर ने आपको। फैलेसी का बायस होगा कन्फर्मिटी मतलब किसी चीज़ को कंप्लाई करना या ओबे करना, श्योरिटी मतलब निश्चित, एविडेंस मतलब सबूत। तो ये तीन वर्ड्स तो मिलते जुलते हैं, लेकिन बायस यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। देखिए, कन्फर्म दो होते हैं, एक कन्फर्म FORM जिसका मतलब होता है कंप्लाई करना, किसी चीज़ का पालन करना, नियम को मानना, और कन्फर्म का अर्थ होता है इस्टेब्लिश करना, ट्रुथ को, सच्चाई को इस्टेब्लिश करना या सत्यापन करना किसी चीज़ का, उसको हम बोलते हैं कन्फर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, टू रिप्रोच। रिप्रोच एक बहुत कॉमन वर्ड है, और काफ़ी बार मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रेप्रीमांड इसका मतलब हो सकता है डांटना, रिव्यूक डांटना, सेंसर क्रिटिसाइज करना, रिप्रूफ ब्लेम एक्यूजेशन, ये सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका देखिए देखते हैं हम। कमेंड का मतलब तो तारीफ करना होता है, तो ये तो इसका एंटोनिम होगा कमेंड। लॉट का मतलब भी तारीफ करना होता है, तो ये भी इसका एंटोनिम होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है। एग्जोनरेट का मतलब किसी व्यक्ति को उसके ऊपर जो आरोप लगा है उससे फ्री कर देना, एग्जोनरेट। तो इसका सही आंसर होगा एडमोनिश। एडमोनिश का अर्थ भी होता है किसी व्यक्ति को डांटना, धिक्कारना, बुराई करना, एडमोनिश करना। और एग्जोनरेट के सिनोनिम मैंने यहाँ पर दिए हैं, एब्जॉल्व एक हो सकता है, एब्जॉल्व का मतलब होता है एग्जोनरेट करना, फ्री करना, एक्विट यानी बरी करना, और विंडिकेट। ठीक
ठीक है, तो ये तीन वर्ड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इस तरह के वर्ड्स काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वेनिरेशन का क्या अर्थ है। वेनिरेशन, इस वर्ड को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वेनिरेशन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा इज्जत या आदर या श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा से उसको देखना। वेनिरेशन मतलब होता है आदर या इज्जत या श्रद्धा। तो यहाँ पर सिनोनिम आपको आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो एंटोनिम क्या होगा इसका। देखिए एडोरेशन तो इसका सिनोनिम है, रेवरेंस भी सिनोनिम है, एडमिरेशन भी सिनोनिम है, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट या डिसडेन, कंटेंट या डिसडेन, ये इसके सिनोनिम होंगे, सॉरी एंटोनिम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, इम्प्यूनेबल। इम्प्यूनेबल का क्या अर्थ है। इम्प्यून का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को अटैक करना, स्लैम करना या डिस्प्यूट करना। तो इम्प्यूनेबल का मतलब है कि कोई चीज़ क्वेश्चनेबल है, कोई चीज़ डिबेटेबल है या डाउटफुल है। तो डाइसी का अर्थ भी डाउटफुल होता है, डिबेटेबल डाउटफुल या क्वेश्चनेबल होता है। हेजी का मतलब भी क्वेश्चनेबल होता है। इनडुबियस सही है यहाँ पर, इनडुबियस का मतलब होता है सर्टेन, जो डुबियस नहीं है, जो डाउटफुल नहीं है। ठीक है, तो सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये इडियम और फ्रेज का एक पाथ है, टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है कि जो आपने टारगेट सेट किया था कहने का, करने का या कुछ भी अचीव करने का, उसको एकदम से वही चीज़ आपने अचीव की। टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर। ठीक है, तो सी यहां पर सही आंसर होगा, टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, टू हिट द नेल ऑन द हेड, ये इसका मतलब होगा। ऑन थिन आइस, पतली आइस पर, पतली बर्फ पर खड़े होना। यदि आप पतली बर्फ पर खड़े होते हैं तो ये काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो काफी कमजोर और वीक होती है, टूट सकती है, आप गिर सकते हैं, लग सकती है आपके। तो ऑन थिन आइस का मतलब होता है कि क्रिटिकल सिचुएशन में होना, प्रीकेरियस सिचुएशन में होना। ठीक है, डी यहां पर इसका सही आंसर होगा। ऑल वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही वॉज नॉट विद डैम। सरप्राइज कौन होता है, क्या कोई वस्तु सरप्राइज हो सकती है, नहीं, व्यक्ति सरप्राइज हो सकता है। तो इसलिए ऑल का यहां पर मतलब है व्यक्ति, मतलब सारे लोग। ठीक है, क्योंकि यहां पर सारे लोग की बात हो रही है, इसलिए यहां पर आप वॉज नहीं बोल सकते, यहां पर आपको प्लूरल वर्ब लगानी होगी, ऑल वर। ठीक है, सारे लोग थे, कैसे थे, यहाँ पर आपको एक स्टेट बतानी है, एक दशा या कंडीशन बतानी है किसी व्यक्ति या वस्तु की। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की कंडीशन आप बताते हैं, तो उसके लिए आप पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें ईडी लगा होता है, उसको आप यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे टायर्ड हुआ या सरप्राइज्ड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑल वर सरप्राइज्ड होगा, ऑल वर सरप्राइज्ड, ये क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, ये वॉज इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में है, तो इसलिए यहां पर वॉज के स्थान पर होगा इसमें ऑल वर, और सरप्राइजिंग नहीं होगा, सरप्राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वो कंडीशन के लिए यूज नहीं होता। किसी व्यक्ति की आपको स्टेट बतानी है, कंडीशन बतानी है, तो उसके लिए हम ईडी फॉर्म वाला वर्ब यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, रीड इन ऑर्डर बिकम वाइज। देखिए एक फ्रेज होता है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इसके लिए, इसको अचीव करने के लिए, पर्पज बताता है वो। जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस, सक्सेस को पाने के लिए वर्क हार्ड करो। ठीक है, तो इन ऑर्डर तो यहाँ पर लिखा ही है, तो इसके आगे टू आएगा, और टू के बाद आप क्या लगाते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको एक तो टू चाहिए और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो इसमें लगा है टू और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सेंटेंस यदि आप इसको लगाएं तो ये सेंटेंस हो जाएगा, रीड इन ऑर्डर टू बिकम वाइज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो वाइज बनने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए। यहाँ पर बिकम के स्थान पर यदि बी होता तो बी भी सही होता, तो सी इसमें आपका सही आंसर है। चलिए अब आगे देखते हैं, शोइंग स्ट्रांग फीलिंग, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। शोइंग स्ट्रांग फीलिंग के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है वेहीमेंट। वेहीमेंट मतलब आपके अंदर काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग है, आप काफ़ी एक्साइटेड हैं, काफ़ी एंग्री हैं, काफ़ी पैशनेट हैं किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो उसको हम वेहीमेंट, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। मीक का मतलब होता है काइंड और जेंटल, सीधा साधा। अपैथेटिक मतलब जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, जो इंडिफरेंट है। इम्पोटेंट मतलब जिसके अंदर शक्ति नहीं है, पावर नहीं है। पोटेंसी, आपने वर्ड सुना होगा, पोटेंसी का मतलब था पावर।
इम्पोटेंट यहां पर इसका सही आंसर होगा, हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर होगा बेहिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम, अशीथ फॉर द ब्लेड ऑफ ए सॉर्ड। अशीथ फॉर द ब्लेड ऑफ ए सॉर्ड, इसका मतलब है कि तलवार की धार को कवर करने के लिए जो जो प्रोजेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यान, तलवार की म्यान। और इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है स्कैबर्ड। स्कैबर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा। ठीक है, डिन्यूट का अर्थ होता है किसी चीज की कवरिंग को हटा देना, डिन्यूट। डाइबल्ज मतलब एक्सपोज करना, रिवील करना। तो ये सारे वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर मैंने दिए हैं। इस वीडियो क्लास को आप एक डेमो क्लास की तरह भी ले सकते हैं, जो मेरी पेड वीडियो क्लासेस हैं उसकी डेमो क्लास की तरह भी ले सकते हैं। हालांकि पेड वीडियो क्लासेस में मैं और भी ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लिटिगेंट्स की करेक्ट स्पेलिंग पूछिए। लिटिगेंट्स जो जो कंप्लेंट करता है कोर्ट में, पिटीशन दायर करता है, अर्जी देता है, उसको हम बोलते हैं लिटिगेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सही स्पेलिंग लिटिगेंट की LITIGANTS, ये इसकी सही स्पेलिंग है इसकी। स्टॉइक कौन होता है? स्टॉइक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी मुसीबत में, किसी भी पेन में कंप्लेन नहीं करता है। अ पर्सन हु कैन इंड्यूर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टॉइक। तो ये एक अच्छा वर्ड है, और स्टॉइकली यदि आप बोलते हैं तो डबल एल आएगा इसमें, CALLY आएगा। इसका आंसर होगा आपका ए। पैराजंबल के क्वेश्चन है, द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द लार्ज। लार्ज क्या है यहां पर? ये पूरी तरीके से लॉजिक टेस्ट करने के लिए होता है पैराजंबल। अब देखिए मैं किस तरीके से लॉजिकली इसको सॉल्व करूंगा। लार्ज एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद जो आती है वो नाउन आती है। लार्ज क्या चीज हो सकती है? लार्ज इसमें प्लेस्ड हो सकता है, बिफोर हो सकता है, नहीं, लार्ज हट हो सकती है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, अब इसका एंड देखिए, यहाँ पर क्या है? बट। बट के साथ कौन सा वर्ड जुड़ सकता है? हट वॉज एम्प्टी बट। बट के बाद प्लेस तो आएगा नहीं, बट के बाद हम एक सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर इट वर्क के साथ प्लेस आ सकता है। देखिए यहाँ पर वर्क लगा है, तो वर्क के साथ हम क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्क के साथ। तो वर्क के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा हुआ है, यानी ये सेंटेंस केवल इसी से जुड़ सकता है। ठीक है, तो हट वॉज एम्प्टी बट ये हो जाएगा सेकेंड सेंटेंस, सॉरी जेड हो जाएगा आपका सेकेंड सेंटेंस, और वाई हो जाएगा आपका थर्ड सेंटेंस। ठीक है, तो एक्स जेड वाई आपका कॉम्बिनेशन इसमें बनेगा, यानी बी इसमें आपका सही आंसर होगा, एक्स जेड वाई। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम आर कॉमन एक्सपीरियंस। कॉमन एक्सपीरियंस कौन सा कॉमन एक्सपीरियंस, किस कॉमन एक्सपीरियंस की बात हो रही है? From our common experience of the relation, common experience of the relation of the, अब देखिए ये mental यहाँ पर physical के साथ जुड़ जाएगा, physical and the mental, यानी ये second, ये sentence जो होगा ये second होगा और ये third होगा, क्योंकि physical and the mental बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये second होगा, ये third होगा, sorry, ये second होगा, ये third होगा, Z second होगा, Y third होगा, और ये हो जाएगा फर्स्ट। तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा एक्स जेड और वाई। इसमें भी आपका आंसर होगा बी, एक्स जेड वाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द मेड वैक्यूम्स एंड डस्ट द हाउस एवरी डे। ये एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, वर्ब में जब एस लगा रहता है तो इससे आप पहचान सकते हैं कि एक्टिव वॉइस है, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो हम थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो मेड है इसमें सब्जेक्ट, वैक्यूम्स एंड डस्ट ये है इसमें वर्ब। द मेड जो है वो डस्टिंग करती है, वैक्यूम करती है, किस चीज़ को करती है? हाउस को करती है। तो हाउस हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया इसमें वर्ब, और ये हो गया इसमें सब्जेक्ट। ठीक है, और एवरी डे इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको आप शुरू में या आखिरी में लगा सकते हैं। अब इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे,
और इज ए मार्क के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आप करेंगे। एवरी डे द हाउस इज वैक्यूम्ड एंड डस्टेड बाय द मेड, इसमें थर्ड फॉर्म है, इसमें थर्ड फॉर्म है, इसमें इज ए मार्क का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा फर्स्ट वाला, एवरी डे द हाउस इज वैक्यूम्ड एंड डस्टेड बाय द मेड। ये नरेशन का क्वेश्चन है। द स्पेक्टेटर सेड ब्रेवो गुड हिट जय, कोई एक लड़का है जय, वो क्रिकेट खेल रहा है और स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक लोग जो हैं वो उससे बोल रहे हैं ब्रेबो, मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको उसको अपलॉड कर रहे हैं कि गुड हिट, एक अच्छा हिट मारा। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये पास्ट में है, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में लिखा जाएगा। पास्ट में इसमें एक ये वाला है, इसमें देखिए ब्रेबो वर्ड का यूज़ नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, और इसमें ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये नहीं आएगा, ये भी प्रेजेंट टेंस में है तो ये नहीं आएगा। एलिमिनेट करके भी आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। यदि कोई कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा आपसे कि ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, इसमें ब्रेबो नहीं आएगा, इस तरह के वर्ड केवल डायरेक्ट स्पीच में आते हैं, इनडायरेक्ट में नहीं आते। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, द स्पेक्टेटर्स अपलोडेड जे फॉर हिज गुड हाइट, तो ये इसका सही आंसर होगा। ये है आपका क्लोज टेस्ट, इसको देखते हैं। एंड देन अ फ्यू ग्लोरियस मिनट्स इट वॉज टाइम टू रिलेक्टेंटली हैड अशोर टाइम, द स्ट्रोक्स वर मोर फ्लूड, द मूवमेंट मोर रिलैक्स, आई टर्न बैक वन लास्ट टाइम, हैलो टू ए क्लाउन फिश, द रीजन वाई आई केम टू द एंडमांस, एज आई वॉच्ड इट आई प्लेड हाइड एंड सीक अ सी एनिमल बिफोर फ्रिस्किंग अवे, सडनली आई रियलाइज्ड अ किनशिप विद द ब्लू वाटर्स द बे ऑफ बंगाल। अब देखिए इस पूरे पैराग्राफ को सबसे पहले क्लोज टेस्ट को करने से पहले उसको पूरा आपको पढ़ना चाहिए, आपको एक रफ आइडिया लगता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात हो रही है, किस बारे में इसमें बात हो रही है। तो इसमें ऑथर एक्चुअली बात कर रहा है कि वो अंडमान निकोबार घूमने गया है और वहाँ पर वो फिश को देख रहा है और वहाँ पर वो एक फ़न टाइम स्पेंड कर रहा है, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो वहाँ पर उसने जो एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है या फिश या मछली या मतलब समुद्र में जो हरकतें होती हैं उसको एक एंजॉय किया है, वहाँ पर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, उन कीवर्ड्स की मदद से आप इनको इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मतलब अनविलिंग थे वो, बिना इच्छा के वो काम कर रहे थे। हेड अशोर मतलब समुद्र से वो दूर जाना, समुद्र तट की तरफ जाना, हेड अशोर, हेड का मतलब होता है डायरेक्शन के लिए ये वर्ड यूज होता है, किसी तरफ जाना, हेडिंग, ठीक है। रिलक्टेंटली मतलब बिना इच्छा के, अशोर मतलब समुद्र से दूर जाना, मतलब समुद्र के तट पर जाना, समुद्र से समुद्र के तट पर जाना, मतलब वापस जाना, समुद्र से वापस जाना, इसको मतलब उसको हम बोलते हैं अशोर। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, एंड देन, एंड देन का क्या मतलब है, एंड देन का मतलब है कि यहाँ पर एक ट्विस्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब स्टोरी में एक ट्विस्ट आ रहा है यहाँ से। एंड देन अ फ्यू ग्लोरियस मिनट्स, क्या आ सकता है यहाँ पर, लेट, लेटर, लेटली, लेटेस्ट, मतलब कुछ समय बाद। तो कुछ समय बाद के लिए यहाँ पर हम लेटर वर्ड को यूज़ करेंगे। एंड देन अ फ्यू ग्लोरियस मिनट्स लेटर, मतलब कुछ ग्लोरियस मिनट्स के बाद। इट वॉज टाइम टू रिलेक्टेंटली हैड अशोर, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद उनको वापस जाना था, तो वापस जाने की उनकी इच्छा नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ग्लोरियस मिनट्स का मतलब है कि उन्होंने वहाँ पर एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। एंड देन अ फ्यू ग्लोरियस मिनट्स लेटर इट वॉज टाइम टू रिलेक्टेंटली हैड अशोर, इसमें क्या आ सकता है, यहाँ पर दीज दोस्त तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये तो प्लूरल होते हैं। दिस टाइम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस टाइम द स्ट्रोक्स वर मोर फ्लूड, मतलब इस बार जो स्ट्रोक्स थे या आप मान सकते हैं कि समुद्र में जो उतार चढ़ाव आ रहे थे वो थोड़े से ज़्यादा फ्लुएंट थे, ठीक है। द स्ट्रोक्स वर मोर फ्लूड एंड आई टर्न बैक ऑन लास्ट टाइम, हलो टू ए क्लाउन फिश, ये एक्चुअली बहुत ही पोएटिक तरीके से ऑथर यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है अपनी स्टोरी को। आई टर्न बैक वन लास्ट टाइम, वो टर्न बैक हुआ एक बार, आखिरी बार वो टर्न बैक हुआ उस मछली को देखने के लिए। तो यहाँ पर पर्पज हम बता रहे हैं कि वो टर्न बैक, वो पीछे मुड़ा, क्यों मुड़ा, वो पर्पज को बताने के लिए हम 2+V1 लगाते हैं। आई टर्न बैक वन लास्ट टाइम टू से हलो टू ए क्लाउन फिश, ठीक है, टू से हलो टू ए क्लाउन फिश, द रीजन वाई आई केम टू द अंडमान,
एज आई वॉच्ड इट प्लेड हाइड एंड सीक, इट प्लेड मतलब एक मछली के बारे में बात हो रही है, वो हाइड एंड सीक का खेल खेल रही थी। और जब हम खेल खेलते हैं तो हम किसी के साथ खेलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा विद, हाइड एंड सीक विद अ सी एनिमल बिफोर फिस्किंग। फिस्किंग का मतलब उछल कूद करना, मौज मस्ती करना, जैसे छोटे बच्चे फिस्किंग करते हैं। बिफोर फिस्किंग अवे सडनली आई रियलाइज अ किनशिप विद द ब्लू वाटर्स। ब्लू वाटर्स मतलब समुद्र का जो नीला पानी था वो किसका था, वो बे ऑफ बंगाल का था। यहाँ पजेशन दिखा रहे हैं तो हम यहाँ पर लगाएंगे ऑफ। सडनली आई रियलाइज अ किनशिप विद द ब्लू वाटर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे, ये सेट 25 है सीजीएल 2017 टीयर 1 के, ये रियल क्वेश्चंस हैं। और ये सारी सीरीज मैं ख़त्म करूंगा, इसमें सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस के प्रीवियस से सारे क्वेश्चंस डालूंगा, टीयर 2 के क्वेश्चंस भी मैं डालूंगा, तो इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यदि आप प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप, अभी एक ऑफर चल रहा है हमारे ई कोर्स में, पेड कोर्स में, उसको आप ज्वाइन करें, और बहुत ही कम फीस है, ना के बराबर उसकी फीस है इस ऑफर के अंतर्गत। इसमें आपको ई बुक्स भी फ्री मिलेंगी, सारे पीडीएफ्स फ्री मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक कोर्स आपको फ्री मिलेगा उसमें, और पूरा वीडियो कोर्स, पूरा वीडियो सॉल्यूशंस, सारा 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 पूरा कोर्स, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का, पूरी ग्रामर, पूरा क्लोज टेस्ट, पूरा स्पॉटिंग एरर, सब कुछ उसमें आपको मिलेगा, और इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम फीस में घर बैठे आप शांति के साथ तैयारी कर पाएंगे, और examini.in ये वेबसाइट है, इस पर आप पूरा कोर्स आप देख पाएंगे। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम आपको भेजेंगे, उससे लॉगिन करके इस कोर्स को आप देख सकते हैं, कहीं भी आप देख सकते हैं, कितनी भी बार इस वीडियो क्लासेस को देख सकते हैं। तो ये एक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी इस कोर्स में। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।